23 अक्टूबर को एक बार फिर से होगा भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। एशिया कप की हार का बदला लेने उतरेगी भारतीय टीम। जानेंगे क्या हो सकती है T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11। वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी लगता है कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान को हरा देगी तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। T20 वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत 16 अक्टूबर से हो रही है। आपको बता दें ये वर्ल्ड कप 13 नवंबर तक चलने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 23 अक्टूबर को हमें महामुकाबला भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें हाल ही में एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच में हमें दो मुकाबले देखने को मिले थे, जहां पर पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की थी तो वहीं दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि भारतीय टीम का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितनी की उम्मीद थी और टीम फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई। भारतीय टीम एशिया कप में मिली हार का बदला लेने के लिए इस मुकाबले में उतरेगी और निश्चित तौर पर भारतीय फैंस यही चाहते हैं कि एक बार फिर से वर्ल्ड कप में भारतीय टीम जीत हासिल करे। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी भारतीय टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ हुआ था और भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम के पास पिछले वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेने का मौका भी होने वाला है। अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ी वही होंगे जो एशिया कप में खेल रहे थे। हालांकि भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाज की वापसी होगी। अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले इस महामुकाबले के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल और युजवेंद्र चहल को मौका दिया जा सकता है। आपके हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में भारत की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? क्या भारतीय टीम पाकिस्तान को हरा पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।